एक नहीं 100 बार भी कह दीजिए मसूद ही सबूत है, समझना इमरान खान को है, कैसे समझाया जाए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल हमारे साथ जीडी बख्शी साहब चर्चा में जुड़ गए हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, पवन खेड़ा जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ मोना आलम पत्रकार सीधे पाकिस्तान से जुड़ रही हैं, कमर चीमा साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट है, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और नवीद चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ नेता हैं पीपीपी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ शुरुआत करते हुए नवीद चौधरी साहब, क्योंकि वहां से किसी और को तो सत्ताधारी पार्टी से बातचीत के लिए लाना नामुमकिन दिखाई देता है, मेरा सवाल आप ही से है, ये जो नया पाकिस्तान का वादा किया था इमरान खान ने, उस नए पाकिस्तान में क्या उन्होंने आपके मुल्क को बताया था कि उस नए पाकिस्तान में मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद ऐसे आतंकियों को पनाह दी जाएगी और उनको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि वो हिंदुस्तान में आतंक फैला सके। इस हमले के, पुलवामा हमले के चंद रोज पहले ये पेशावर में उसका भाषण जिसका हम ऑडियो सुना रहे हैं, वो खास तौर पर उसमें उकसा रहा है लोगों को चौधरी साहब, और अब सबूत मांगते हैं इमरान खान। देखिए जहाँ तक लोग हैं इनका, जिनके जिक्र आपने किया, नो डाउट हमने भी इनको बहुत सी ऐसी जगह पे कहा है कि ये गलत आसर है और ये स्टेट विद स्टेट है, स्टेट नहीं होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब उनको गिरफ्तार किया जाता है या उसमें पेश किया जाता है तो एविडेंस नहीं मिलती है। जब एविडेंस आपसे मांगते हैं तो आप भी एविडेंस नहीं देते, आप ये कहते हैं कि जी हमारी एविडेंस उस टाइप की नहीं है जिस तरह आपको चाहिए। जैसे अभी आपने डॉक्यूमेंट ये वीडियो दिखाई है, ये देखें, ये स्पीचेस करना तो एक फंडामेंटल राइट है, आपके यहाँ भी बहुत सी बातें होती हैं पाकिस्तान के खिलाफ, यहाँ भी बहुत सी बातें होती हैं, उसको मैं नहीं कंसिडर करता। देखना ये है कि क्या बाकी ये मास्टरमाइंड है, इन्होंने जो चीजें की हैं उसके लिए आपको जरूरत है। नवीद जी, जैश ए मोहम्मद ने खुद जिम्मेदारी ली है, खुद बाकायदा मीडिया रिलीज के जरिए कहा है कि ये आतंकी हमला हमने कराया है, सबको पता है मौलाना मसूद अजहर उसका आका है। अब आप ही समझा दीजिए सर कि कौन से रॉकेट साइंस की जरूरत है, कौन से रॉकेट साइंस की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि जैश ए मोहम्मद ने अगर कन्वेंशन किया है तो उसके ऊपर ट्रायल होना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन इस टाइप की बातें वो कल वो कहेंगे कि हमने तो प्रेस रिलीज नहीं दी, पता नहीं किसने ऑर्डर दे दी, क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया पे दूसरे पे फॉल्स खबरें भी तो बहुत चलती है, रूमर्स बॉम्बिंग भी बहुत होती है। इसलिए मैं समझता हूँ जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या आपके पास कोई एविडेंस है वो आपस में शेयर होना चाहिए। आज आप सऊदी अरब के वली है, उन्होंने भी आपको आंखें बंद कर लेने से, नावेद जी आपको फिर टोक रही हूँ माफी के साथ, आंखें बंद कर लेने से सर सच्चाई बदल नहीं जाती है। दूर बैठे फ्रांस को दिख रहा है तभी वो मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए यूएन में प्रस्ताव लाने वाले हैं। अमेरिका जैसा देश, रूस जैसा देश भी सच्चाई देख पा रहा है, बस आप लोगों को पाकिस्तान में सबूत चाहिए। आपको पता है कि हमने उसको उनको मसूद अजहर को अरेस्ट किया था, हमने इनको भी अरेस्ट करवाया था, लश्कर तैयबा के हाफिज सईद साहब भी, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ से वो जब बगैर एविडेंस की वजह से रिलीज हो जाते हैं तो वहां भी तो चीज चाहिए ना, उसके लिए भी तो हमें, इसलिए आपसे हमने कहा था कि हमें शेयर करें, ये हमारी गवर्नमेंट में भी शेयर मांगते रहे हैं, हर गवर्नमेंट आपसे मांगती रही है, लेकिन वहां हम आके सिर्फ एक दूसरे को लंच करना, इल्जाम लगाने पे हम आ जाते हैं और उसके आगे नहीं बढ़ते। जीडी बख्शी साहब जवाब देना चाह रहे हैं, ठीक है आपकी बात का, जीडी बख्शी साहब जवाब देना चाह रहे हैं। जनरल नावीद चौधरी साहब, मैं आपको कहना चाहूँगा कि 26/11 के बाद कोई 3.5 टन डोसियर हमने आपको पहुँचाए थे, सबूत सबूत और सबूत के, वो सबूत काफ़ी था अमेरिका में डेविड हेडली को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाने के लिए, हमारी अदालतों के लिए काफ़ी था। ये जो आपका जो अजमल अमीर कासब था उसे फांसी सूली पे टांगने के लिए हमारी अदालतों के लिए काफ़ी था। एक आपकी अदालत है जो ये सारे सबूत उसने चार्ज पे भी नहीं लिए हैं, ऑन रिकॉर्ड भी नहीं लाई है। आपके यहाँ जो भी टेररिस्ट वारदातें होती हैं आपकी मिलिट्री कोर्ट्स वहाँ पे ट्रायल करती हैं, जिनमें कि बिल्कुल एविडेंस ही बड़ा सीधा साधा साफ सुथरा कर दिया गया है। मुझे ये बताइए कि आपकी मिलिट्री कोर्ट्स को 26/11 की ट्रायल करने को क्यों नहीं कहा गया, पठानकोट के हमलावरों की ट्रायल करने को क्यों नहीं कहा गया, आपके जो जो उड़ी के हमलावर हैं उनकी ट्रायल करने को क्यों नहीं कहा गया। आपके मुल्क में बैठे हैं जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर,
और उनके लोगों ने साफ इजहार किया है कि हाँ साहब, छाती ठोक के हम कह रहे हैं हमने किया। अब जब वो अपना जो है कबूल कर रहे हैं कि हाँ हमने किया, क्या आप बहरे हैं, क्या आप अंधे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा भावलपुर में क्या कहा जा रहा है, जो टेप अभी चले हैं आपने सुने नहीं या आप सुनना चाहते नहीं। देखिए साहब, आप जो है गुरूर आपको बहुत ज़्यादा आ जाता है। आपको अमेरिका ने कह कह दिया कि आप तालिबान को टॉक टेबल पे लाइए। 13 फरवरी को आपने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स पे कातिलाना हमला किया, 27 ईरान के सिपाही मारे, 20 घायल किए। अगले दिन 14 फरवरी को आपकी ये किया था जैश अदल ने, जो भी आपका एक ग्रुप है, और जैश मोहम्मद ने 14 फरवरी को साहब अटैक किया पुलवामा में, हमारे 40 अफराद शहीद किए हैं, हमारे 40 ट्रूपर CRPF के शहीद किए हैं। ये एक एक्ट ऑफ टेरर नहीं है नवीद साहब, दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। नवीद साहब, दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। 40 आप समझते हैं कि आप हमारे सिपाही मार के केवल सीटी बजा सकते हैं? नवीद साहब, इसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास आ रही। देखिए, जब ईरान हुआ वक्त हमारी स्टेट जिम्मेदार, अब तो स्टेट को स्टेट टेररिज्म का फर्क है, सबूतों को पहचानने में लगता है जैसे पाकिस्तान की नियत और सूझबूझ कमजोर है सर, वैसे ही लगता है नेटवर्क भी इस वक्त कमजोर है, क्योंकि आपकी आवाज साफ और स्पष्ट आ नहीं रही है। हम कोशिश करेंगे कि वो टेक्निकल फॉल्ट वहां अगर खत्म हो, कोई जगह बदली जा सके, क्योंकि आवाज आपकी ठीक से आ नहीं रही है।